नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज पब्लिक टुडे में आप सभी का स्वागत है। देश भर की बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको देश भर की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल पाए। जी हाँ, जिस वीडियो में आपको बताने वाले मोदी सरकार की कुछ खास योजनाओं के बारे में, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना आप सभी से है कि आप पब्लिक टुडे न्यूज गिवे की तरफ से आप जीत सकते हैं Samsung S9 मोबाइल 16 लकी विनरों को दिया जाएगा। इनाम जीतने के लिए वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है और सही जवाब दे के आप जीत सकते हैं Samsung S9। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने जवाब के साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्वेश्चन को जानने के लिए। चलिए नजर डालते हैं देश की सबसे बड़ी खबर पे। आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो देश के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम की बात। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है और दो तीसरे दिन भी लगातार सस्ता हुआ पेट्रोल। आपको बता दें कि सोने चांदी की भाव की बात की जाए तो दुनिया भर के बाजारों में लुढ़क गई है सोने की कीमत। सोने का भाव बहुत ही जल्द सस्ता होने वाला है, दुनिया के बाजारों में सोने की कीमत लुढ़क चुकी है। आपको बता दें कि सोने की कीमत 21 रुपए गिरी, लगातार सोने की कीमत गिरती जा रही है। कभी 600 रुपए के लेके 2000 रुपए तक डिस्काउंट सोना हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। वहीं चांदी की कीमत के अंदर 602 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। चलिए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पे। आपको बता दें कि त्रिपुरा असम सीमा पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली सबसे बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की आज सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि रितु नंदा शादी से लेकर जिंदगी के आखिरी पलों तक जो है रितु नंदा ने अपनी स्टोरी आज जो है शेयर की है सोशल मीडिया पे। सरकार का बड़ा प्रस्ताव, गंभीर बीमारी के मरीजों को 15 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, चाहे कैंसर हो चाहे कोई भी बड़ी बीमारी हो, उनको 15 लाख की मदद दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी, आज बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है। अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने रुकवाया पहाड़ों का दंगल। आपको बता दें कि कुछ लोग जो दंगल करने जा रहे थे, पुलिस ने उसको रुकवाया और अवैध बताया। आपको बता दें कि सीए प्रदर्शनों के लिए जरूरी है विपक्ष की एकता, अमर्त्य सेन ने विवादित बयान देश की जनता के सामने रखा है। अगला सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप केस के अंदर दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के पास भेजी दया याचिका, 4 दोषियों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी। अगली सबसे बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान से कहा कि समझौता एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे लुटाए। अगली सबसे बड़ी खबर, अब अपराधी घटनाओं को छिपा नहीं सकते, एसपी मुख्यालय को भेजना पड़ेगा छोटी है हर घटनाओं की रिपोर्ट। अगली सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश शहडोल के अस्पताल में 12 घंटे में 6 नवजात बच्चों की मौत। अगली सबसे बड़ी खबर, रानी की अगुवाई में न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी भारतीय महिला टीम। अगली सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए 2.5 लाख छात्रों से आवेदन मिले। अगली सबसे बड़ी खबर, शेख मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाने के लिए भारत बांग्लादेश के बीच MOU। चलिए नजर डालते हैं कुछ अगली सबसे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। आपको बता दें कैफे में बैठे नवाज शरीफ की तस्वीर वायरल हो रही है। कैफे के अंदर जो है नवाज शरीफ कुछ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात की जाए तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ बीमार नहीं, लंदन के रिश्ता की तस्वीर हुए बीमार जो वायरल, जो ये दावा करती है कि ये बीमार नहीं है। आपको बता दें कि हाफिज सईदी की मनमानी, टेरर फंडिंग मामले में नहीं स्वीकार किया अपराध, जाने अब क्या होगा। अगले सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के विमान दुर्घटना को लेकर कई लोग गिरफ्तार। अगले सबसे बड़ी खबर, कबायल जिलों में अशांति के पीछे भारी तत्वों का हाथ। अगले सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फिर से सिर झुकाया भारत के सामने, अब पाक विदेश मंत्री करेंगे भारत का दौरा। अगले सबसे बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया में नहीं रुकेगा अडानी का कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, जर्मन कंपनी ने ठुकराई ग्रेट थर्नर की मांग। अगली सबसे बड़ी खबर, मानव इतिहास में दुनिया के महासागर 2019 में रही सबसे गर्म रिसर्च में ये बातें आई सामने। सेना प्रमुख को धमकी दे ट्रोल हुए पाक मंत्री, यूजर्स ने कहा सोई चौकीदार की पोस्ट खाली नहीं। अगली सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन विमान हादसे के बाद ईरान में बवाल जारी, सरकार के विरोध में 3 टीवी एंकरों ने दिया इस्तीफा। ये थे आज की बड़ी खबरें, आपको कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द भारतीय बाजार के अंदर नया 5G मोबाइल लॉन्च हो रहा है, जिसके बारे में हम कॉल बताने वाले हैं। अब बात करते हैं जो पब्लिक टुडे न्यूज के क्वेश्चन का, जिसका सही जवाब देके आप जीत सकते हैं जो है Samsung S9 मोबाइल हमारी तरफ से। आंसर के साथ अपना मोबाइल नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो भारत के अंदर 4G के बाद लॉन्च होने जा रही है, इसका आपको सही जवाब देना है। साथ में आपको बता दें कि इसका जवाब के साथ आपको देना कि ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ कौन सा जो है ब्रांड जो है कौन सा मोबाइल लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है उसका पूरा नाम लिखिएगा और साथ में आपको बता दें कि उस टेक्नोलॉजी के साथ जो है कौन सा मोबाइल भारतीय बाजार के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। आपको बता दें कि 4G की टेक्नोलॉजी के बाद भारत के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी आने जा रही है। 16 के विनरों को दिया जाएगा Samsung S9 मोबाइल। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।